चित्र बनाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने उन चित्रों को मिला के कोई कहानी बनाई है? तो आइए देखें हमारे कार्यक्रम के चित्र हमसे क्या बातें कर रहे हैं। सुंदर चित्र किसने बनाए हैं? हम लोगों ने। तो इतने सुंदर चित्र बनाकर तुम लोग लड़ क्यों रहे हो भला? दीदी, हर कोई अपने चित्र को अच्छा कह रहा है, इसीलिए शोर होने लगा। दीदी आप ही बताइए किसका चित्र अच्छा है। ओहो, भाई वाह, बच्चों ने तो अच्छे खासे चित्रों की प्रदर्शनी लगा दी। लो अब तुम्हारे भैया आ गए, अब इन्हीं से पूछ लो जो कुछ भी पूछना हो। क्या क्या भैया? कुछ नहीं है, इन लोगों ने ये कुछ चित्र बनाए हैं। अब ये सब आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं मेरा चित्र अच्छा है, मेरा चित्र अच्छा है। अच्छा। अब आप ही बताइए इनमें से सबसे अच्छा चित्र किसका है। उफो, ये तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया भाई तुमने। भाई ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे बढ़िया चित्र कौन है, क्योंकि मुझे तो सारे ही चित्र अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो खरगोश है, और ये भी, और वो दो फूल, और चिड़िया, हा हा, ढोल बजाता हुआ खरगोश, और ये लाला को देखो छड़ी टेक के टोपी लगा के खड़ा है। भाई सारे चित्र अच्छे। बच्चों तुम सब ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, पर हम भी कम नहीं है, हमने भी एक चित्र बनाया, समझे? दिखाते हैं, दिखाते हैं। पहले ठीक से बैठिए आप लोग, चलिए, और आप भी बैठिए, और फिर हम दिखाते हैं बच्चों को चित्र। लेकिन एक बात है भाई, हम चित्र तो आपको दिखाएंगे, पर उस चित्र को देखने के बाद आप लोगों को कुछ बताना भी होगा। क्या बताना होगा? यही मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। मुहावरे और लोकोक्ति? अरे ये किस सोच में पड़ गए तुम लोग? भैया देखिए एक बात है, पहले आप इन लोगों को ये बता दीजिए कि मुहावरे और लोकोक्ति होते क्या हैं। ओह जरूर बताएंगे। देखो बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति समाज में प्रचलित वो कथन होते हैं जो जीवन में पाए गए किसी न किसी सत्य पर आधारित होते हैं, माने सच्चे अनुभव पर आधारित होते हैं। वो कोरी कल्पना नहीं होते, उनके पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ छिपा होता है, समझे? अब तुम लोग सोच रहे होगे। अच्छा, ये बताइए भैया, हाँ? इन लोगों को ये भी तो बता दीजिए कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। हाँ, मैं यही बताने जा रहा था, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे मुझे खामोशी दिखाई पड़ी थी। मैं समझ गया ये जानना चाहते होंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति में फर्क क्या होता है ना ये बात? तो देखो बेटा, मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, और लोकोक्तियां पूरा का पूरा एक वाक्य होती है। अब मुहावरा देखो, जैसे आंख का तारा, समझे? आंख का तारा का मतलब समझते हो? हाँ भैया, बताओ। मैं जानता हूँ। बताओ। आंख के तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। हाँ, बहुत प्यारा होना। किस तरह का प्यारा होना? अब भाई देखो, हाँ? जैसे कि हर माँ का बेटा उसे बहुत प्यारा होता है, यानी हर माँ का बेटा उसके लिए आपका तारा होता है। हाँ। आई बात समझ में? आई ना। और देखो लोकोक्ति, लोकोक्ति है एक, बताते हैं कि एक अनार और 100 बीमार। अच्छा, अब इसका मतलब बताओ तुम। हाँ। तो जाने कि एक अनार और 100 बीमार का मतलब क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। और 100 बीमार, सोचो सोचो सोचो। लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हाँ, दीदी बता रही है। भाई भाई, एक अनार और 100 बीमार का मतलब होता है कि जब किसी एक चीज को चाहने वाले बहुत सारे लोग हों, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक अनार और 100 बीमार। इसे यूं समझो बच्चों, जैसे मेरे पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, और तुम सब लोग उसे खाना चाहते हो, तो वही कहावत वही लोकोक्ति लागू होगी, एक अनार और 100 बीमार। तो अब ये बात आपकी समझ में आ गई। भैया एक बात ये बताइए। हाँ। आप तो सब भूल जाते हैं बच्चों से बात करते समय। क्या
अब आप ये बताइए, सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या वो चित्र भी दिखाएंगे जो आप ला रहे हैं? इतने प्यारे बच्चे हैं और इतने बातूनी हैं कि बातों में लगा लेते हैं, और मैं चित्र दिखाना ही भूल गया है। अभी दिखाता हूँ। भाई देखो, ये रहा वो चित्र। अरे वाह, अब इसे देखो और बताओ इस चित्र में क्या बना है, तुम बताओ। या इस क्षेत्र में एक घड़ा बना है और घड़े को ले जाती हुई एक औरत बनी है। बस या कुछ और? जरा ध्यान से देखो और सोच कर बताओ। हाँ, ठीक से सोचो तो इस क्षेत्र में तुम्हें एक लोकोक्ति झांकती हुई नजर आएगी। कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया ना, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कुछ अता पता बताती हूँ। देखो भाई, ये तो बेईमानी है भैया, इन लोगों की समझ में ऐसे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, बताओ। देखो, इस चित्र में एक घड़ा बना है और तुम लोगों को इतना तो मालूम है ना कि घड़े को गगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गगरी। हाँ। और देखो, उस गगरी में पानी भरा है, मगर देखिए आप, इस चित्र में जो गगरी बनी है उसमें पूरा पानी नहीं भरा है, और जो औरत बनी है वो उस गगरी को ले जा रही है और उस गगरी से पानी बराबर छलक रहा है। तो कौन सी लोकोक्ति हुई, कुछ समझ में आया? दीदी, लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकते जाए। अरे वाह, आप हमें अपने पत्र जरूर भेजिएगा। आपके पत्रों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और आप भी शायद आपकी तरह हमें कुछ अच्छे से चुटकुले, कहानी या कविता लिख सकते हैं और भेज सकते हैं। लेकिन आप पत्र भेजेंगे कैसे, इसलिए आप हमारा पता तो नोट कीजिए। हमारा पता है दीक्षा, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, उत्तर प्रदेश, निषादगंज, लखनऊ 226007। दीक्षा में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दीक्षा दीक्षा, दीक्षा दीक्षा, दीक्षा दीक्षा।